पंजाब असेंबली का इजलास जारी है, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जी, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके खिलाफ कोर्ट केस भी हो रहा था, चल रहा है अभी तक, पेंडिंग, आपको पता है कि जुडिशियल प्रोसेस है, वो चल रहा है। और उन काफ़ी दोबारा कोशिश की कि दोबारा भी वो सिस्टम के अंदर एंटर हो सकें और वो दोबारा बसेस प्रोवाइड कर सकें जिससे उनको रोका गया। जी जी ब्रिगेडियर साहब। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। मेरा जो सवाल ज़िमनी है वो वज़ीर साहब से ये है कि बड़ी अच्छी बात है कि हर पायलट प्रोजेक्ट जो है जहाँ पे फैसिलिटेशन हो या सब्सिडी हो वो लाहौर से शुरू होता है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल इनसे ये है कि पैरेलल जब आप लाहौर में देते हैं तो इस तरह की सब्सिडी आप रावलपिंडी या बाकी शहरों को आप इस वक्त साथ क्यों नहीं दे रहे? क्या ये टैक्स पेयर की मनी नहीं है रावलपिंडी के लिए, फैसलाबाद के लिए, भुगतान के लिए? अगर टैक्स पेयर्स की मनी है जहाँ से जो सब्सिडी आनी है तो उसका प्रॉपर शेयर बाकी क्यों नहीं जा रहा? और मैंने कल बात की थी कि ये जो प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड है ये सिर्फ लाहौर में क्यों इस्तेमाल हो रहा है, ये बाकी क्यों जा रहा है? प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करें। और इसके लिए लाहौर हम सब का दिल है, पाकिस्तान का दिल है, लेकिन जो हो रहा है इसके कुछ असरात बाहर इलाकों के अच्छे नहीं जा रहे। तो क्या ये पैरेलल एट द सेम टाइम जब ये लाहौर में सब्सिडी दे रहे हैं तो बाकी सब्सिडी देने में जहाँ पे मेट्रो चल रही है वहाँ पे क्या मसाइल हैं? थैंक यू। मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट। जनाब स्पीकर, मैं अर्ज करूँगा यहाँ पर कि जब ये लाहौर के अंदर पहली मेट्रो बस बनी, इसको हम BRT सिस्टम कहते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारी ऑपोजिशन थी उसने क्या क्या नहीं कहा, जंगला बस, कमीशन कमाने का तरीका और पता नहीं क्या क्या कहते रहे। उसके बावजूद हमने लाहौर की मेट्रो को सक्सेसफुली चलाया, मुल्तान की मेट्रो को सक्सेसफुली चलाया, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान मेट्रो बस सर्विस के नाम से एक मेट्रो सर्विस चलाई। 2016 के अंदर फिजिबिलिटी स्टडीज़ आखिरी बनी थी जिसके अंदर, क्योंकि ये डिपार्टमेंट हमारा एक ऐसा है कि यहाँ पे कोई काम फिजिबिलिटी स्टडी के बगैर नहीं होता। अगर कोई रूट फिजिबल होगा, अगर उस पर राइडरशिप होगी तो वहाँ पर बस चलेगी, वरना चाहे जो मर्ज़ी हमें प्रेशर पर दिया जाए हम वहाँ पर रूट नहीं चलाते। रावलपिंडी वाकई एक पाकिस्तान का, पंजाब का एक बहुत अहम शहर है, लेकिन दुख की बात यह है कि जो 2016-17 के अंदर फिजिबिलिटी बनी उसके मुताबिक रावलपिंडी को कम से कम 300 बसें चाहिए थी, लाहौर को 1580 बसें चाहिए थी अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जब हुकूमत चेंज हुई, जैसे मैंने पहले फरमाया, तो पिछले 5 साल में नई बसेस क्या डालनी है, जो मेट्रो सिस्टम चल रहे हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि 10 लाख, तकरीबन 10 लाख अफराद को रोज़ ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन सिस्टम्स का ये हाल किया गया कि उनके, अगर आप लाहौर में देखेंगे तो उनके जो उनके बस स्टॉप्स हैं वो ऐसा लगेगा कि वो टूट के गिरने को तैयार हैं। जो इस ट्रैक पे बसें चलती हैं उनको 5 साल में 1 रुपया नहीं दिया कि रिपेयर करने के लिए, वो अब हमने आके लाहौर का ट्रैक रिपेयर किया है, पिंडी का ट्रैक हम रिपेयर कर रहे हैं। हमें बिल्कुल एहसास है कि रावलपिंडी की आवाम का ये हक बनता है, क्योंकि एक बड़ा शहर है, अर्बन ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए फर्स्ट गो के अंदर आते साथ ही हमने जिस शहर की रिक्वायरमेंट 300 बस की है उसको 100 बस का हमने इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक तोहफा दिया है और वो बहुत जल्द सड़कों पे होगा और आप देखेंगे कि नेक्स्ट फेज में इंशाल्लाह में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कम्प्लीट करके देंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि ये अब तक क्यों नहीं हुआ, तो पिछले 5 साल का भी हिसाब किसी को देना चाहिए कि एक सिस्टम जो कि 10 लाख गरीब आवाम को रोज सहूलत फराहम करता है उसको क्यों फेल करने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब। आई जस्ट नीड सम कमेंट, मैं इसमें देना चाहता हूँ। मैं इनकी पॉलिसी या दूसरी गवर्नमेंट जो हमारी PTI की थी, मैं उस पॉलिसी को इस वक्त नहीं डिस्कस कर रहा था। मुझे समझ नहीं आती है कि सवाल एक स्ट्रेट पूछा जाए तो ये पॉलिसी स्टेटमेंट लेके जाते हैं। अगर ये इन्होंने पॉलिसी डिस्कस करनी है कि ये मेट्रो जो बनी है इनके फवायद क्या हैं और जो बाकी मसाइल थे वो क्यों पीछे रह गए हैं, वो एक सेपरेट इशू है, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ, तो काइंडली डिस्कशन को फोकस रखें। मेरा एक सिंपल सा सवाल ये था, मैं आज भी इस हाउस पे अगर ये बात करें तो मैं इसको साबित कर सकता हूँ कि पिंडी के अंदर एक ये प्रोजेक्ट था, ये जो नाला लई वाला प्रोजेक्ट है, दैट वुड हैव यील्डेड 10 times मोर बेनिफिट देन दिस मेट्रो बक्स ये जो वहाँ बना दिया गया है। लेकिन क्या करें, बन चुका है, मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि उस डिस्कशन में जाएं। मेरा एक सिंपल सा सवाल, रिक्वेस्ट था मिनिस्टर साहब से
कि जब आप सब्सिडी हर जो पायलट प्रोजेक्ट है फिजिबिलिटी स्टडी वो लाहौर से शुरू होती है, लाहौर पे ख़त्म हो जाती है और बाकी जो है वो बल्बा जो पीटीआई पे आ जाता है, ये सब्सिडी बाकी जगहों को क्यों नहीं दे रहे? दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन पैरेलल टू दी लाहौर, ये मेरा सवाल है, इसका जवाब दें। मैं इनसे पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं, उनका कहना क्वेश्चन ये है कि आप लाहौर से बाहर पिंडी को भी आप देखें, आप दूसरे अजला को भी देखें, आप जनूबी पंजाब की तरफ भी आएँ, उनका क्वेश्चन ये है। मेरे ऑनरेबल मेंबर मेरी बात का शायद बुरा बना गए, मेरा मतलब ये नहीं था उनको, जो उनको शायद फील हुआ। मैंने तो पहली बात ही ये की कि हमने जो पहला एक सप्लीमेंट्री सवाल आया था मैंने उसमें बताया कि हमने आते साथ ही अभी हुकूमत को बने हुए 3 महीने नहीं हुए, हमने 3 महीने के अंदर चूँकि हमें तो पुराने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड है, हमें पता है कौन से शहर में कितनी बसेस चलनी चाहिए थी और चलनी चाहिए हैं। अगर आप बात करेंगे जो BRT सिस्टम चल रहा है, बस सिस्टम चल रहा है रावलपिंडी का, वो भी ह्यूजली सब्सिडाइज है, वो भी इतना ही सब्सिडाइज है जितना कि लाहौर का सिस्टम चल रहा है, लेकिन वहाँ पर चूँकि फीडर रूट बसेस ऐड नहीं हो सकी तो उसके अंदर इनकी जो शिकायत है वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं यही अर्ज़ करूँगा कि एक जो टाइम हमने लूज़ किया है, ये सारी चीज़ें कम्प्लीट हो जाती अगर जिस सिस्टम के तहत काम हो रहा था उसको चलने दिया जाता, लेकिन चूंकि उसको नहीं चलने दिया गया तो हमें थोड़ा सा मौका दें, इंशाल्लाह हमें आवाम की मुश्किलात का एहसास है और हम ही आवाम की मुश्किलात दूर करते हैं और हम दूर करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी राणा साहब, मेरा वजीर मसूर से ये सवाल है, ज़मीनी सवाल, के ठीक है ये बसेज ला रहे हैं जैसे कि लाहौर जैसे कि ऑलमोस्ट चौक हो चुका है, क्या इनके पास उनकी ट्रैफिक का भी कोई प्लान है? ये बसें लाकर एक डिपो पे खड़े कर देनी है। इस वक्त लाहौर की जो हालत है कि अगर आपने यहाँ से अगर 10 किलोमीटर भी जाना हो तो टेक्स अराउंड 45 मिनट्स, उसके लिए बसेज मंगवाना काफ़ी नहीं है। आपका इनका ट्रैफिक का फ्लो का और ये जो आपका ट्रैफिक सिस्टम है उसके लिए ये क्या इकदाम उठा रहे हैं? राणा साहब, आप तो वैसे भी खुश हों कि आपको 100 बसें दी जा रही हैं। जनाब स्पीकर, बसें देना नहीं है जनाब, उसका ट्रैफिक का फ्लो भी देखना है। वैसे तो ये ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा अहम, क्योंकि हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है और इसलिए ये चिंची आया है। चिंची से आप रोज़ देखते हैं हादसात होते हैं। मेरा तो सवाल ये है कि लाहौर में आप बैठे हैं, आप बताएँ कि लाहौर का कौन सा एरिया है जो ट्रैफिक से चौक नहीं है? आप क्या उस ट्रैफिक के फ्लो के लिए कोई इकदाम उठा रहे हैं? जी मिनिस्टर साहब, सर वैसे तो मैं राणा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टेक्निकली तो ये नया सवाल बनता है, लेकिन मैं सवाल का जवाब इनको दे देता हूं यहां पे। सर बिल्कुल, ट्रैफिक प्लान जो होता है वो एक किसी भी शहर के अंदर ट्रैफिक की आमद रफ्त को इजी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर के अंदर जो एक टाइम के ऊपर 54 रूट्स थे, आज वो तकरीबन हमारे पास 47 रूट्स की शक्ल में मौजूद हैं, जिसके अंदर 17 रूट्स के ऊपर ऑलरेडी हमारी बसेस चल रही हैं। एक लाहौर के अंदर 2016 के अंदर जो स्टडीज़ हमारी कराई गई लास्ट, जिसके अंदर एक ऑरेंज लाइन बन चुकी थी, ग्रीन लाइन जिसको हम BRT सिस्टम कह रहे हैं लाहौर का, वो बन चुकी हुई थी। जो बेसिक प्लान था वो ये था कि यहाँ पर 2 और मेट्रो लाइंस बनेंगी, जो एक ब्लू लाइन थी और एक पर्पल लाइन थी, और उसके साथ फीडर बसेस का एक सिस्टम बनेगा।